हेलो एवरीवन, आज 22 जुलाई था और आज का जो जजमेंट है उसका समरी मैं देती हूँ। तो आज बताया गया, पहले तो बात हुई थी सिस्टमिक फेलियर पे कि इनके सिस्टम में फेलियर हुआ है, रैंडम पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, नो सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा हर जगह मतलब प्राइवेट उससे लिया गया था तो वो तो एडिट भी की जा सकती है, और उसके अलावा पेपर का सील कब हुआ था, पेपर ये नहीं बताया गया कि 520 पे हुआ था या कब हुआ था, और ये भी नहीं बताया गया कि पहले इन्होंने कहा कि कैनरा बैंक से गलती से आ गया था, फिर उन्होंने कहा कि SBI और कैनरा से दोनों से आ गया था, पता नहीं था, मतलब इस पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था स्टार्टिंग में। और इसके बाद एक और पॉइंट रखी गई थी कि 718 एंड 719 मार्क्स जो भी आए हैं उनके रैंक आए थे 68 एंड 69, और जब उन्होंने रीनीट के बाद या नहीं दिया आफ्टर डैट, इनका मार्क्स कितना होना चाहिए था अप्रॉक्स, कम से कम मतलब 500-1000 के अंदर होना चाहिए था, बट इट गोन टू 58,000 एंड 39,000। तो सो दे आर नॉट डिजर्विंग दैट मच गुड मार्क्स जितना NTA ने इनको प्रोवाइड किया है। हमारे एडवोकेट ने एक बात ये भी रखा कि इंटीग्रिटी ऑफ द एग्ज़ाम हैज़ बीन कम्प्रोमाइज, सो रीनीट इज़ द ओनली सोल्यूशन। हालांकि उस पर जजेस ने बोला कि ये बात पहले भी रखी जा चुकी है। और एक सवाई माधोपुर वाला केस की बात रखी गई थी और ये बताया गया कि 13 लाख स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट उनका तो रीनीट कराना चाहिए, और NTA अपनी गलती छिपा रहा है, मतलब बच्चों की तरह स्टार्टिंग से उसने गलती छिपाई ना कि एक्सेप्ट किया, ये भी बताता है कि NTA में कितनी पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी है। एक और क्वेश्चन था कि 179 क्वेश्चंस को ही चेक किया जाए 180 में से, क्योंकि एक क्वेश्चन के दो ऑप्शंस रखे गए थे एटम्स वाले क्वेश्चन के, तो इस पे ये बोला गया कि हाँ इसको जो है ये पॉइंट काफ़ी नोटिसेबल है, सॉलिसिटर जनरल को ये बात नोटिस करनी चाहिए। और ये भी बोला गया कि IIT दिल्ली जो है वो एक कमेटी बनाए और इसका आंसर आज ही दे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसको दो NCERT के बेसिस पे रखा गया था, NCERT एडिशन 2016 एंड 2019। एक पॉइंट मुझे और बहुत अच्छी लगी थी, हमारे एडवोकेट ने एक बात और रखा था जो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि उन्होंने कहा अगर 2 या 3 सेल बॉडी के ख़राब हो जाते हैं, कैंसर सेल बन जाते हैं, तो उनको हम ये कहकर नहीं छोड़ेंगे कि बस 2 ही 3 सेल हैं तो अभी उनको जाने देते, जब मास लेवल पे हो जाएगा तभी ट्रीटमेंट होगा। तो ऐसे ही ये एग्ज़ाम में इन लोगों का जो फैक्ट्री खुल रहा है लीक वाला, इसको ये नहीं कहकर छोड़ा जा सकता है कि बस 2 ही 3 लोगों में या 2 ही 3 सेंटर्स में ऐसा काम हुआ है, हमें पहले ही इसको किल करना होगा, अदरवाइज़ ये हमारी बॉडी में हमारे सिस्टम में फैलता जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपनी बात को। सो IIT दिल्ली वाला डिसीजन तो आज आ जाएगा, और हमारे दो सबमिशंस थे जो रीनीट को लेकर थे और एक सबमिशन नो रीनीट को लेकर था। नो रीनीट वालों पे उन लोगों ने आंसर नहीं दे पाया कि ग्रेस मार्क्स का क्या मतलब फॉर्मूला था, और काफ़ी मतलब वीक सा था, पर रीनीट वाला स्ट्रॉन्ग था सबमिशन। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि अपने सबमिशंस आप फाइल कर दीजिए, हम पढ़ेंगे और उस अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर मास लेवल पे लीक हुआ है तो अलग थॉट प्रोसेस होगा, और अगर मास लेवल पे लीक नहीं हुआ है तो अलग तरीके से किया जाएगा काम। बाकी नेक्स्ट डेट को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं कहा गया है कि नेक्स्ट डेट कब होगा, मतलब कब है। IIT दिल्ली वाला जो क्वेश्चन है एटम्स वाला, वो आज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डेट का भी पता चल जाएगा क्या होने वाला है। देखते हैं यार, मुझे रीनीट के चांसेस कम हैं, बट एटलीस्ट अपराधियों को सजा, तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये अपना विश्वास रखती हूँ कि अपराधियों को सजा मिलेगी ही मिलेगी।